वेल तो अपने लेजेंड आयरन मैन एंड बैटमैन में से ज्यादा स्मार्ट कौन है, और इस कंपैरिजन को भाई फेयर रखने के लिए हम मूवीज एंड कॉमिक्स दोनों से हेल्प लेंगे। और अगर हम बात करें मूवीज की, तो भाई अपने बैटमैन का कोई सा वर्जन टोनी के आसपास भी नहीं आता, बिकॉज अपने टोनी ने भाई टाइम मशीन बनाई है एंड साथ में थेनोस जैसा विलन उसकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अगर हम यही कंपैरिजन कॉमिक्स के हिसाब से करेंगे तो भाई यहाँ पर अपना बैटमैन बड़े आराम से टोनी स्टार्क को पीछे छोड़ देगा। वैसा क्यों है? बिकॉज भाई अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो भाई हर एक चीज जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई होती है वो इसके अंदर आ जाती है, जैसे भाई लीडरशिप क्वालिटीज होना एंड साथ में अच्छे डिसीजन लेना। वहीं पर भाई अपना बैटमैन पूरे डीसी यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, एंड अपना आयरन मैन पूरी मार्वल कॉमिक्स में पांचवें छठे नंबर पर आता है। अपना टोनी स्टार्क भाई स्मार्ट तो है, वो किसी के लिए भी एक सूट बना सकता है, वो सेलेस्टियल तक से लड़ चुका है कॉमिक्स में। लेकिन बैटमैन एक लीडर है, साथ ही भाई डिटेक्टिव भी है, इसलिए सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। पूरे डीसी कॉमिक्स में भाई वो सबसे ज्यादा स्मार्ट माना जाता है, उसके आगे सिर्फ लेक्स लूथर ही आता है। वहीं पर अपना टोनी पांचवें छठे नंबर पर, एंड साथ ही अपना टोनी थोड़ा ईगोइस्टिक भी है, इसलिए उस चक्कर में कॉमिक्स के कंपैरिजन के हिसाब से भाई अपना बैटमैन विनर निकलता है, लेकिन मूवीज के हिसाब से भाई अपना आयरन मैन। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन सा